22% जीएसटी पड़ता है। एक तो टैक्स कर लेते पहले, फिर टैक्स, फिर टोल टैक्स, लाइट की भी समस्या है, हर एक चीज की समस्या है इस बीजेपी सरकार में। मेरा तो राशन कार्ड भी था वो भी कट गया। अच्छा, बड़ी समस्या। पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे नीट का पेपर कैंसिल हो गया है, अभी बच्चे कितनी बेरोजगारी को झेल रहे हैं। सरकार ये ध्यान नहीं दे रही, पक्की नौकरी दो। पहले पेपर होता था 10-20-50 रुपए फॉर्म भरा जाता, अब 500 रुपए में फॉर्म भरा जा रहा है। हमारा जो युवा है बेरोजगार होगा, नशे में लतपत हो रहा है, और इसमें 100% सरकार का हाथ है। आप बता दीजिए अंकल जी। क्या बताऊं भाई, मैं ये बता विचार रखिए, कांग्रेस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अच्छा, तो परेशान क्यों दिखाई दे रहा है? परेशानी इसलिए है, सुन लो बात, गाड़ियों में है 22% जीएसटी पड़ता है, समझे? एक तो टैक्स कह लेते पहले, फिर टैक्स, फिर टोल टैक्स, ठीक है, है कि नहीं? ये परेशानी है कि नहीं? हमें नहीं, पूरी जनता को है ये परेशानी। और टैक्स, टोल टैक्स भी कम से 15 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर ये मिलते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। किस तरफ से आते हैं, कहाँ से आते हैं? मैं तो इधर से आता हूँ, जैसे चंडीगढ़ का रूट हो गया मेरा। अच्छा, तो ये मतलब पानीपतरा रोड हो गया। हाँ, ये टोल टैक्स बहुत महंगा भी है वैसे भी। हाँ, महंगा भी है, ये जो यहाँ चमारिया मोड़ पर यहाँ भी, ये भी महंगा है। हाँ, हम तो वैसे रोहतक से है, खिडवाड़ी गाँव से। ठीक है। हाँ, तो हमने तो भाई ये परेशानी है, महंगाई भी बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चों ने नौकरी नहीं छोड़ दी किसी को भी, नौकरी भी बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, बस लाइट की भी समस्या है, हर एक चीज की समस्या है इस बीजेपी सरकार में। ठीक है। हाँ जी, तो आप अभी इधर मंडी में देखा जाए तो मंडी में आपने कुछ समस्या अगर देखी हो? मंडी में तो समस्या ही समस्या है, एक तो भीड़ भी इतनी ज्यादा रहती है जी, बहुत ज्यादा। वही बात, सब्जी भी देख लो आप कितनी महंगाई हो रही है। ठीक है। कम से कम भी अब ला लो 90-100 रुपए किलो टमाटर हो रहा है, तो आप बताओ महंगाई कहाँ जाएगी, कितनी जनता परेशान है। मतलब बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। मेरा तो राशन कार्ड भी था वो भी कट गया। अच्छा, बड़ी समस्या। समस्या ये तो है, मेरी नहीं, हर एक के लिए है ये। गाँव में जाके पता करो आप, बहुत ज्यादा समस्या है। लाइट के अब की बारिश, इतनी लाइट की तंगी रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों को ज्वार जो पशु चारा होता है ना, वो नहीं बोया अब की बार, तो गर्मी ज्यादा जिसने बोई वो खत्म होगी, ये तो ऊपर वाला के हाथ है गर्मी करनी या ना करनी। बाकी लाइट की बहुत समस्या रही, बहुत ज्यादा समस्या रही। कौन सी सरकार हरियाणा में बनाना चाहेंगे? जिस सरकार है जो गरीब लोग हैं उनको इतना ध्यान में रख के बने सरकार, क्यों तो आजकल बेरोजगार इतना हो रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा इतना डोल रहा है कि रोज टेस्ट होते हैं, अगले दिन वो टेस्ट कैंसिल हो जाते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे नीट का पेपर कैंसिल हो गया है, अभी बच्चे कितनी बेरोजगारी को झेल रहे हैं मैं बताऊं। अब सरकार क्या कर रही है, हर चीज का प्राइवेट निजीकरण कर रही है, बताओ बच्चे कहाँ जाएंगे? पढ़े लिख के सरकार कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची भाई सबको नौकरी दी जा रही है, कौशल में निकाल रहे हैं बच्चे को, जो कैट का पेपर लिया है उन बच्चों को कौशल में डाल दिया, बताओ सब जिंदगी कौशल से गुजारा करेंगे? छह महीने तनख्वाह हो जाती है उनको आने के लिए, बेचारे क्या करेंगे, अपने परिवार माँ बाप को कैसी देख रेख करेंगे वो? सरकार ये ध्यान नहीं दे रही, पक्की नौकरी दो, कौशल में क्यों निकाल रहे हो? एक बात बताओ आप, बच्चे पढ़ लिख कर माँ बाप का पैसा वो करते हैं, माँ बाप खून पसीने कमाई बच्चों को देता है भाई मेरा बच्चा कामयाब हो, लेकिन सरकार क्या कर रही है भाई, निजीकरण कर रही है, क्यों कर रही है? सरकार ने ये नहीं पता भाई ये बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं आगे बढ़ेंगे देश का भविष्य है, एक निजीकरण करने से बच्चों का वो नहीं होगा, लेकिन सरकार को हम चाह रहे हैं वो बदलाव होना चाहिए। सरकार ये करिए बिना पर्ची खर्ची हर पेपर लीक होता है, इन्हीं के आदमी लीक कराते पेपर को, इन्हीं के आदमी पेपर लीक कराते, गरीब आदमी मारा जाता है। पहले पेपर होता था 10-20-50 रुपए फॉर्म भरा जाता, अब 500 रुपए में फॉर्म भरा जा रहा है, बता क्या करेगा? ऑनलाइन उसका लेटर आता है, बच्चे को पता नहीं होता, बच्चे को पता नहीं होता उसके 2000-2000 रुपए गए, लेकिन सरकार ये नहीं सोच रही, ये तो ये सोच रही है गरीब गरीब ही रहे, एक 5 किलो राशन में बच्चा क्या करेगा, वो भी कीड़े मकोड़ों के तले उड़े राशन सरकार बच्चों को दे रही है, उनका दिमाग यही रहेगा, अगर उनको बढ़िया शिक्षा चिकित्सा बढ़िया सुविधा मिले तो हमारा देश तरक्की करेगा, अगर ये 5 किलो राशन में हमारा देश उड़ जा रहेगा ना, अब तरक्की नहीं करेगा। उनके लिए सबसे बड़ी ये भाई चिकित्सा शिक्षा फ्री की जाए, फ्री करने से एक काम नहीं चलता है, लेकिन हमारे देश में कुछ मूर्ख बंदे बैठे हैं भाई, फ्री का ठुकराना चाहिए भाई, हमको पैसे देंगे से 10-20 रुपया में जितना भी है हमें अच्छा भोजन चाहिए, ये नहीं है भाई फ्री के उसके चक्कर में हम अपना शरीर को खराब करेंगे, लेकिन सरकार यही चाह रही है कि हमारा भाई ये देश का निजीकरण हो। पहले और भी सरकारें आई हैं, इतना निजीकरण नहीं हुआ, जो बीजेपी सरकार में निजीकरण हो रहा है, हर बच्चा है फार्म भर रहा है,
1000-2000 रुपए, पहले 50-100 रुपए फार्म जाता था, ग्रांट लेटर आता था उसको पता चल जाता था एग्जाम देने जाना है मेरे को, वो तैयारी करता था इस टाइम। अब बच्चे को पता नहीं है भाई कब एग्जाम होगा, क्या होगा क्या होगा। अब बच्चे को कैट का पेपर दिया, उसमें 5 नंबर ही नहीं देंगे, आर्थिक आधार पर दिए लेकिन उसके ऊपर स्टे हो गया, उनकी बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, वो कौशल में डाल दिए। पता उनका क्या कसूर था, उन बच्चों का क्या कसूर था। सरकार अपने लाभ के लिए बच्चों की हानि पहुंचा रही है, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। तो मतलब ये जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं असर पड़ेगा इस पे, बीजेपी के खिलाफ होगा और बदलाव पड़ेगा। देखो आज का जो युवा है ना शिक्षित है, उसको पता है भाई हमारे माता पिता किस तरह की कमाई करके हमारे को दे रहे हैं, कितना खून पसीना भरे। किसान है, फसल को उगाता है, उसमें पानी धूप बरसात ज्यादा हो जाती है, खराब हो जाती है, तो ऐसा ही परिवार है। अगर बच्चे ऐसे हो जाएंगे तो क्या करेंगे। हमारा आज का युवा नशे में लतपत हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले ये आगी अग्निवीर आगी, पहले हम लोग भी तैयारी कराया करते, फौज की तैयारी कराया करते, भाई पता चल गया भाई आर्मी की जीडी की भर्ती आ रही है तो 2-3 महीने पहले तैयारी करने लग जाए। भाई इसमें अग्निवीर ऐसी बना दी, बच्चे का मनोबल ऑटोमेटिक टूट गया, ऑटोमेटिक मनोबल टूट गया। नहीं तो देश के लिए हम लड़ने के तैयार हैं, हर युवा तैयार है कि हमारे साथ कोई भी देश आक्रमण करता है तो हम उसके साथ उसका मुंह तोड़ जवाब दें। लेकिन ये सरकार नहीं चाह रही भाई युवा, ये योजना बिल्कुल ही काम नहीं। हमारा जो युवा है बेरोजगार होगा, नशे में लतपत हो रहा है, और इसमें 100% सरकार का हाथ है भाई। ये नहीं चाहती भाई सरकार के कारण बच्चे पढ़ लिख के तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़े, बस यही है भाई 5 किलो राशन दो और उसको उड़ जाए रखो, यही सिस्टम है इनका।